अच्छा जी, अब हमारे पास अहमद है। अहमद के लिए जरा क्लैपिंग हो जाए। अच्छा जी अहमद, अपना इंट्रोडक्शन जरा सा करवाएं और बताएं कि आपने किस टॉपिक पे बनाया प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और रिसेंटली मैंने कोविड में जो एंटर करा है, इंटर के बाद मेरी एपेक्स हॉल में फ्रंट एंड डेवलपर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब हुई। अभी कोई 5 मंथ्स हुए रिसेंटली अभी अभी, और उसके बाद ये मर्न की अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने इसको अवेल करा है, ये चल रहा है। और आज जो ये टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, सर ने जो हमें बताया था ना वो बाइनरी को कन्वर्ट करना बताया था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कन्वर्ट करना नहीं बताया था। तो आज इसका एक मैंने रफली सी एक प्रेजेंटेशन है, मतलब मेरी स्लैंग लैंग्वेज में ही है, तो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हमारे पास जो है ना जैसे एक एक फ्लोटिंग पॉइंट है 10.75, एक मिसाल है 10.75, तो 10 पॉइंट जो है ना पॉइंट के 9-10 बेस होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद दूसरा नंबर लग जाता है, सही है। और बाइनरी में 0 और 1 होता है। हमारे पास तीन चीजें होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा, मतलब मेंटिसा और सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं इसको, मेंटिसा भी कह सकते हैं, सही है। तो साइन जो है 1 बिट लेता है, एक्सपोनेंट 8 बिट्स लेता है और मेंटिसा 32 बिट्स लेता है, यानी कि सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, एक वैल्यू ले लेते हैं 10.75 की, एक हमने 2 डिजिट्स वैल्यू ले ली, सही है। उसको एक अगर पॉइंट को हम राइट साइड की तरफ मूव करवाते हैं तो जो एक्सपोनेंट है ना, अच्छा ये जो -1 लिखा हुआ है ना ये एक्सपोनेंट कहलाता है, राइट साइड की तरफ अगर मूव करवाते हैं ना तो एक्सपोनेंट हो जाता है माइनस में चला जाता है एक्सपोनेंट। और उसी को अगर लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं, जैसे अब ये 10.75 था, अब 10 यहां पे पॉइंट था, मैंने 7 के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये -1 हो गया, सही है। इसमें क्या था, 10.75 था, मैंने पॉइंट एक नंबर पहले ले आया तो ये 2 हो गया, सही है, 1, 2 इस तरीके से। अच्छा, ये जो है ये हमारा मेंटिसा हो गया, ये बेस हो गई, 10 बेस हो गई हमारी, और जो ये है ये एक्सपोनेंट हो गया, एरो थोड़ा सा नीचे आ गया। नेक्स्ट। ये डायग्राम बनाई थी मैंने रफली सी, 1 बिट साइन लेता है, 8 बिट एक्सपोनेंट और मेंटिसा 32 बिट्स लेता है, जो के बनते हैं 4 बाइट्स, मतलब 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनता है, तो ये क्या ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है सिंपली। नेक्स्ट। अच्छा, 10.75 टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसका स्टेप 1 ये है कि फर्स्ट कन्वर्ट द वैल्यू बिफोर डेसिमल, मतलब 10 को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यूज क्या थी, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इसमें हम क्या क्या चीज हमें लेनी है, 8 और 2, तो क्या बन गया 10 का 1010। नॉर्मली जो बाइनरी सर ने हमें बताया था ना 1010 10 टू बाइनरी हो गया। नेक्स्ट। अब रह गया 0.75, अब इसका असल गेम है 0.75 का। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से 0.75 को, और जब तक करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। 0.75 को हमने मल्टीप्लाई करा 2 से, जिसका आंसर आया 1.50, इसमें से 1 सेपरेट कर देंगे, 0.50 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सही, आंसर क्या आया 1.00। इसके अंदर से ये हमारे पास अब 0 आ गया, यहां पे 0 आ गया, वहीं पे स्टॉप कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या आया 1 और 1, तो हमारे पास 1010 10 का आ रहा था, 0.1 और 1 ये आ गया 75 का, सही है, एक्सपोनेंट 2 हो गया यहां पे। नेक्स्ट। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में अब हम उसी वैल्यू को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, हमारे पास समझे 1010 जो लिखा हुआ है ना ये 10 है, और ये 11 जो लिखा हुआ है हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, उसमें जो है ये 1 और 1 आया। शिफ्ट, एक मिनट, हाँ। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम जो ये पॉइंट है ना पॉइंट को शिफ्ट करेंगे सेकंड लास्ट डिजिट तक, इस तरीके से हमने शिफ्ट करा पॉइंट को, यहां तक लेकर आएंगे हम पॉइंट को शिफ्ट करके सेकंड लास्ट डिजिट्स तक लेकर आएंगे, तो हमारे पास वैल्यू अगर 1.01011, सही है, कितने डिजिट्स तक शिफ्ट करा ये देखते हैं। यहां पे पॉइंट है 1, 2, 3 एक्सपोनेंट आ गया, 2 लिखा हुआ था नीचे, 2 की 2 का एक्सपोनेंट 3 यहां पर आ गया, सही है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो बीच का नंबर आया ये मेंटिसा है,
ये वन जो है ये डिस्कार्ड कर देंगे हम, 1.01011 है ये डिस्कार्ड कर देंगे। ये जो बीच का है ना मेंटिस आ गया हमारे पास, इसको अभी तक यहीं पर रखना है। और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है नेक्स्ट, अच्छा अब इसको जो दूसरी वैल्यू थी ना उसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है बायस का। अब बायस के फॉर्मूले में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला है 2^(n-1)-1 सही है। अब आप पूछेंगे कि n क्या है, तो n जो है 8 बिट्स मतलब 8 बिट एक्सपोनेंट की जगह लेता है सही है। तो n की जगह पे 8 आ गया मतलब n = 8, n की जगह पे 8 आ गया 8-1 ये हो गया यहाँ पे 7 सही है। ये 7 बन गया 2^7 127 हो गया सही है। अब नेक्स्ट एंड एक्सपोनेंट डेट इज 3 एड इन बायस वैल्यू, 3 एक्सपोनेंट था हमने 3 डिजिट्स आगे चलाया था पॉइंट, तो 3 हमारे पास एक्सपोनेंट आया था उसको ऐड करवा देंगे बायस वैल्यू में। अब बायस वैल्यू में हमने ऐड करवाया 130 वैल्यू आ गई, 130 का हम लोग वही बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इसको सही 128 और 2 ले लेंगे, ये आगे भी हो गया 128 और 2 ले लेंगे 130 हो गया डेट इज ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अच्छा सही है। अब देखें हमारे पास थी 10.75^1 10.75^3 मतलब पॉजिटिव वैल्यू थी, तो पॉजिटिव वैल्यू में क्या करेंगे यहां लिख देंगे 0, यहां पे 0 आ जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो 1 आता, 0 हमेशा जो है ना पॉजिटिव में काउंट होगा, 1 जो है नेगेटिव में काउंट होगा। ये यहां तक ये क्लियर कर लो कि अगर पावर जो है मतलब उस तरीके से होगी तो यहाँ पे जो है ना 1 आ जाएगा वरना 0 होगा अगर पॉजिटिव में, तो 0 यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट निकाला था। सर जरा पीछे करिएगा एक और नहीं आगे आगे ये मेंटेस हमने निकाला था 01011 सही है। ये आ जाएगा हमारे उस जगह पे वापस चले ये मेंटेसर लास्ट में ना नहीं, हां मेंटेसर तो सॉरी लास्ट में एक्सपोनेंट जो हमारे पास एक पीछे करिएगा जो पावर 3 थी वो एक्सपोनेंट में ये रहा एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट। क्या कैसे निकाला था पावर को उससे बायस का रूल लगा के 130 था 133 को बाइनरी में करा बाइनरी एक्सपोनेंट की जगह पे आ गया। पीछे करिएगा और सर और पीछे करिएगा ये मेंटेसर था मेंटिसा की जगह पे आ जाएगा, बाकी जितने रिमेनिंग बचेंगे ना वो जीरो लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट इनटू बाइनरी। अगर किसी का कोई सवाल है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूछ लो है नहीं। अच्छा आगे की तो स्लाइड था या खत्म? सर खत्म, बस यहाँ पे असल में ना मुझे वैल्यूज लिखनी थी वो अच्छा हुई नहीं। अच्छा जी चलो क्लैपिंग।